फ्रेंड जब टायर पंक्चर हो जाए तो हम किसी तरह तो खोल लेते हैं फ्रेंड, जब इसे फिट करना होता है तो किस तरीके से हम फिट करना है तो वीडियो में बने रहे, मैं इस बताने वाला हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं यहाँ चार रबर होते हैं, देख सकते हैं ये चार कपिंग रबर होते हैं, तो इसे हमें किस तरीके से लगा देना है अगर ये बाहर निकल जाए, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, अगर ये बाहर निकल जाए तो इस तरीके से आप बैठा दें और इस प्लेट को हम इसमें लगा लेंगे फ्रेंड। इस गार्डिंग बोल्ट को खोल भी सकते, गार्डिंग बोल्ट को खोलना ज़रूरी फ्रेंड, अगर ब्रेक रॉड का नट अगर नहीं खुल रहा है तो छोड़ दे उसे, कोई दिक्कत नहीं, गार्डिंग बोल्ट आपको खोलना पड़ेगा तभी ये बाहर आएगा, ऐसे भी बाहर आ जाएगा मगर थोड़ा सा परेशानी होगी। तो इस तरीके से हमें लेना फ्रेंड, देख सकते हैं ब्रेक कैम को हमें नीचे ले लेना है इस तरीके से, देख सकते हैं ऐसे हमें नहीं रखना फ्रेंड, इसे हमें ऐसे नीचे की तरफ लेना है और हमें व्हील को दिख रहा है तो इस हब में हमें बैठा देना है, तो इस तरीके से हमें लेना है व्हील को और इस तरीके से बैठा देना है और हल्का सा एक्सल इधर से मार देना फ्रेंड। उसके बाद देख सकते हैं ये एक यहाँ बूस होता है, इसे हम यहाँ लगा लेंगे और इधर से एक्सल को खोल लेते हैं, देख सकते हैं इजली चला गया। अब हम इस चैन चाबी को लेंगे, चैन एडजस्टर बोलते हैं, चैन एडजस्टर को लेंगे और इसे एक्सल में लगा देंगे, देख सकते हैं ये 19 नंबर का नट, हम इसे यहाँ टाइट कर देंगे, बस सिर्फ थोड़ा सा इसमें सटा लें। उसके बाद हम देख सकते हैं गार्डिंग बोल्ट को खोल दिए थे, इसे हम देख सकते हैं लगा देंगे, गार्डिंग बोल्ट लगाने के बाद एक रबर होता है देख सकते हैं ये हैंडल रबर, यहाँ हम दे देंगे कोई सा भी रबर होता है तो यहाँ लगा देंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं ये गार्डिंग बोल्ट का फ्रेंड, ये जो रड रहता है इस रड को हम लगा लेंगे और देख सकते हैं लगा देंगे इस रड को फ्रेंड, देख सकते हैं इस रड को कभी भी व्हील खोलें तो इस रड को ना भूलें, बोल्ट लगा के टाइट करना, ये बहुत डेंजर होता है, अगर ये लूज रहेगा तो आपका इस बोल्ट को गार्डिंग बोल्ट को कभी लूज ना रखे फ्रेंड, अगर ये लूज रह जाएगा नट बोल्ट इसका निकल गया फ्रेंड तो अगर हम ब्रेक लगाएं तो ये देख सकते हैं ये रॉड यहाँ लॉक हो जाएगा, इस तरह मुड़ के ये मुड़ के फ्रेंड ये यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा, व्हील हमारा लॉक हो जाएगा तो इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस देख सकते हैं नीचे देखा ये गार्डिंग बोल्ट को जरूर फुल टाइट करके करें, देख सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, देख सकते हैं, और जब हमें बाहर करना हो तो ये बोल्ट को देख सकते हैं गार्डिंग वाला बोल्ट और ये सस्पेंशन ब्रेक वाला खोलने की हमें ज़रूरत नहीं। तो इसी तरीके से जब आप व्हील को बाहर करें तो इसी तरह से तरीके से बैठा सकते हैं फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।